यह है जिम कॉर्बेट, जंगल का वो हिस्सा जो जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं उसके बरोबर सामने पड़ता है। अभी तो ये थोड़ा खुला खुला सा लगता है क्योंकि साल में दो बार इसकी कटाई होती है, लेकिन मानसून के बाद ये बहुत घना हो जाता है। और कल ही जो हमारे होटल के एक स्टाफ मेंबर, उन्होंने बताया कि बाघ या तेंदुए बिल्कुल रोड की किनारी पे जो उगी हुई घास है उसमें छुपकर बैठ जाते हैं और गाय या उसके बछड़े को उठा के लेकर जाते हैं। इतना घना हुआ जंगल है। हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं वो सीता बनी और जिम कॉर्बेट जंगल के बरोबर बीचों बीच स्थित जो नेशनल हाईवे 121 है उसी पर है ये। हालांकि जिस हिस्से में अभी भी चल रहा हूँ उस हिस्से में इस तरह आना कानूनन इल्लीगल माना जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ इस जंगल की सुंदरता। मैं एक छोटे से जंगल वॉक पे निकल रहा हूँ। ये कॉर्बेट का बाहरी बफर जोन है। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से आगे बढ़ जाएं हम तो कोर एरिया शुरू हो, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी जानवर की चहलपहल होती है दिन भर और रात के वक्त भी। रात के वक्त चहलपहल बहुत बढ़ जाती है। चीतल, सांबर, काकड़, बाघ, तेंदुए, उनका यह दिखना बहुत ही आम है। करीब करीब रोज़ ये दिख जाते हैं यहाँ पर।